राम राम जी। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 9 बजे हैं और मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गया था। तो पहले कुछ खाएंगे और उसके बाद सीधा दिल्ली निकलना है, टाइगर भाई के यहाँ वर्कआउट करना है आज। तो और बातें हम रस्ते में करेंगे। 5 अंडे अभी मैं खा रहा हूँ और 10 अंडे पैक करके ले जाऊंगा। निकलते जो D&D पे जाम मिलेगा ना, बस उससे ही डर लग रहा। सोच का भी सही, आगे जाके देखते हैं क्या होता, क्योंकि आज तो हम जल्दी निकले हैं और मैंने थोड़े से केले और संतरा और सेब भी ले लिए हैं। डाइट अपनी पूरी लेकर चलता हूँ, चाहे आगे जाम लग जाओ या कुछ लग जाओ। जूस संतरा का दे दे, मौसमी खत्म प्योर दे उन्हों। मौसमी आई ना। अच्छा, 24/7 दिख रहा है। यहाँ से राजमा चावल लिए हैं, बहुत दिन हो गए थे राजमा चावल खाए हुए। सुबह के 10 बज चुके हैं अभी तक D&D पे, और 9:30 बजे निकल गए थे हम। 10:30 बज चुके हैं, अब तक हम D&D पे ही हैं। तो दिल्ली में एंट्री कर पाए अभी तक। ये ट्रैफिक जो सुबह सुबह लग जावा ना, कहीं भी जाने का मूड ही खराब कर दे यार। यहाँ तक आने में पूरी एनर्जी डाउन हो चुकी है, दो बार तो जंबाई आ गई है सोने की। तो ऐसा लगे बॉडी जैसे इतना बोर हो जावे, इतना बोर हो जाए एनर्जी भी डाउन हो जावे। अब बनाना खा लो फिर वर्कआउट करेंगे। देखे एनर्जी तो लो हो रही है थोड़ी सी, एक गेनिंग पे रह है ना, तो सुस्ती सी भी रह बॉडी में, सुस्त रह पूरी बॉडी। एनर्जेटिक जो रह ना, एक एनर्जी बॉडी में, वो ना रह पाती। कैसा वर्कआउट होता है वो तो जिम में जाके पता चल जाएगा। लेग्स करने हैं। एक एक्सरसाइज हो चुकी है और दूसरी एक्सरसाइज हमारी स्ट्रिक लेग डेडलिफ्ट। कितना वेट लगा ना भाई? 15 से स्टार्ट करोगे? चलो 15 से 20 लगाओ। चलो 20 लगा लो। ऊपर आया था दो एक्सरसाइज हो चुकी है और तीसरे लेग प्रेस। दो तीसरे एक्सरसाइज करनी है लेग प्रेस, जिसमें मुझे बहुत मजा आता है। इसके बाद है लेग कर्ल, तो ये हमारी चौथी एक्सरसाइज है। हाँ भाई आ जाओ। ये जूते हमने यहाँ पर दे दिए, ये बहुत ज्यादा चुभ रहे थे नीचे से, इसके पता ही कहीं खो गए। ये वाला सही है, फिर जाएगी भाई। पिच खत्म हो गई भैया, अब कैसे करें? तो कुछ और दे दे यार। लिमका है छोटी वाली, चल लिमका दे दे। दो दे दे, एक ये फैंटा भी दे दे। कितने पैसे हो गए? 3 बज चुके हैं हमें पहुंचते। सबसे पहले चिकन बना के चिकन खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करूंगा, सोऊंगा, करता हूँ, फिर मिलते हैं। तो अभी लॉक कर दी भी गाड़ी। 5 से 6 अंडे बचे हुए थे और थोड़े से राइस खा के
सो गया। 6:30 बज रहे हैं, अब उठाऊं, अब मैंने चिकन बनाया है। इतनी दूर से आना जाना और गर्मी भी पड़ने लगी है तो बहुत ज़्यादा थक गया था। सोचा था मैंने कि चिकन बनाऊंगा पहले, फिर खा के जब सोऊंगा, लेकिन हिम्मत ना हुई बिल्कुल भी। रात के 12 बज रहे हैं और अभी पिज्जा खाने का मन कर रहा, तो पिज्जा खाने जा रहे हैं अभी हम। तो ऑर्डर कर दिया, फ़ोन कर दिया। रात में जो है 11 बजे बंद हो जाता है पिज्जा, लेकिन हमारे लिए ये 2-3 बजे तक खुला। और कोई लाइट नहीं जल रही, केवल हमारी सीट पे लाइट जल रही है। आ गया हमारा पिज्जा। और भाई क्या हाल चाल मैनी साहब? पिज्जा मैं खाऊंगा नहीं, यही खाएंगे पिज्जा। इन्हें ज़्यादा शौक हो रहा पिज्जा खाने का। फोटो शूट क्या चले लगा, लाइट जलती देख रहे हो, फोटो जाता हूँ। पिज्जा ठंडा हो जाएगा, खा ले आएंगे दिंगे मगर पिज्जा खा लो पिज्जा। और कपड़ा मतलब 2 दिन गेनर खाते हुए बॉडी दिखाने लगो। 6-7 ने देख गया क्या होगा, रात में कोल्ड ड्रिंक भी बॉडी बिल्डर बन रोल होता है। रात के 12:30 बज चुके हैं और अब मैं इस व्लॉग को यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताना। सो लव यू ऑल एंड बाय।